और मुख्यमंत्री की कोख से मुख्यमंत्री पैदा होते थे। आजाद भारत में पहली बार ऐसा हुआ है। एक दिल्ली में सेंट्रल हॉल है संसद के अंदर, मेरे यहां बुजुर्ग बैठे हैं, नौजवान भी बैठे हैं, सब जानते हैं इस बात को। उस सेंट्रल हॉल में एक बैठक हुई, आप मेरे बुजुर्गों का आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ, तो उस बैठक में मुझे भी शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं समय पार्टी का राष्ट्रीय सचिव था, मीडिया विभाग का अध्यक्ष था, हिमाचल प्रदेश का प्रभारी था। और उस बैठक में हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि बड़े बुजुर्ग, मैं सभी अपने बड़े बुजुर्गों के चरणों को नमन करता हूं, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं और नौजवान साथियों का मैं अभिनंदन करता हूं। आज इस चुनावी समर में मैं अब जिनके परिवारों में ना तो किसी ने अंधेरा देखा हो, ना किसी को खुले शौच में जाने की शर्मिंदगी क्या होती है, ना उसको उस बात का एहसास हो, बरसात है जाए तो चूल्हे में गीले कंडा हो, गीली लकड़ी हो, बातें कि देख धुआं घर में है जाए, बाकी चिंता कौन है, जाने गरीबी देखी है भाई, ये चिंता ऐसा करे। जिनने पैदा होते ही गैस के चूल्हे पर रोटी बनाई है, बिनने का आपत्तों को धुआं कैसे होए और धुआं से घर में कितने नुकसान हुए। हमारी अम्मा हमारी दादी की तो आंखें खराब हो गई, हम सब की, मेरे से मतलब आप सब लोगों से। श्रीमती पंकजा शर्मा जी, श्री संतोष कटारा जी, श्री सत्यदेव शर्मा जी, श्री कप्तान वर्मा जी, श्री हर्ष जी, श्री सतीश परिहार जी, श्री सोमेंद्र कसाना जी, मंच के माध्यम से मैं अपनी पार्टी के प्रत्याशी के लिए, अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के लिए आप सब लोगों के बीच में वोट मांगने आया हूं। और वोट मांगने के साथ साथ केंद्र की 5 साल की सरकार और राज्य की 2 साल की सरकार का और उसमें ज्यादा कमी रहेगी उसको दुरुस्त करेंगे। और मैंने ये 26 और 27 फरवरी को घोषणा कर दी थी कि आप ग्रामीण क्षेत्र में भी पर्याप्त बिजली मिलेगी, जो 18 घंटे का शेड्यूल था उससे भी हमने बढ़ा दिया है। अब रात को कहीं कोई अंधेरा आपको ग्रामीण क्षेत्र में दिखाई नहीं देगा। जब तक आप जो तार ढीले उनकी बात कर रहे हैं, तो बहुत जल्दी हमने बैंक से लोन लिया है और जो जर्जर तार को बदलवाने का अभियान भी हम बहुत जल्दी शुरू कराने वाले हैं।
तो 2021 के अंत तक आपको कहीं भी पूरे आगरा की बात नहीं कर रहा मैं, पूरे प्रदेश की बात कर रहा हूँ, आपको 2021 के अंत तक कहीं पर भी जर्जर ताकि दिखेंगे। हमारी योजना तैयार हो चुकी है, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। इसमें स्पेशल लाइट के लिए क्या तो हमारी बहुत पहले से यहाँ पर जब से हमारी सरकार बनी हमारा ध्यान इस पवित्र स्थान के प्रति है और यहाँ पर पर्याप्त बिजली की व्यवस्था हम लोगों ने यहाँ पर की है। और भी थोड़ी बहुत कोई कमी रहेगी उसको भी हमको जल्दी यहाँ पर।